यही है वो लता, दिव्य चमत्कारिक जड़ी बूटी देवदाली या देवडांगरी। शास्त्र में बताई गई दिव्य 64 जड़ी बूटियों में से ये एक है। इसमें कई प्रकार के रहस्यमय और चमत्कारिक गुण छुपे हुए हैं। देवदाली की एक बेल होती है, लता होती है, जो बहुत फैलती है। कहीं कहीं जमीन पर फैलती है, कहीं बाग बगीचों में पेड़ों पर भी आपको चढ़ी हुई नजर आएगी। ये लता कामड़ा रोग को ठीक करने की एक जबरदस्त और कारगर जड़ी बूटी है। आयुर्वेद के जानकार लोग सालों से इसका उपयोग कामड़ा रोग को ठीक करने के लिए किया करते हैं, लेकिन ये बहुत तेज है, बहुत लगती है, इसलिए संभल कर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ये एक लता है जो सारे भारतवर्ष में वर्षा काल में उत्पन्न होती है। इसे सफेद रंग के पुष्प लगते हैं और इस प्रकार के पत्र होते हैं। ये बहुत फैलती है। इसे जो फल लगते हैं ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और कंटकों से ढके हुए होते हैं। ये गोल या अंडाकार तथा कोमल होते हैं। ये सूखने पर इसमें एक जाली बन जाती है जिसमें अनेक बीज होते हैं। इसे हिंदी में सोनैया, बंदाल, घाघरा बेल और देवदाली कहते हैं। उड़िया में कुकरा बेल और गुजराती में कुकड़ बेल तथा कुकड़ा पाड़ानो वेलो कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम लूफा इकाइनेटा और अंग्रेजी नाम थोन गोर्ड है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो बंदाल कटु, तिक्त, उष्ण, लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण होती है। ये कफ पित्त का शमन करती है और वामक होती है। इसका उपयोग कामला, क्षय, पांडु, अरुचि, श्वास, कृमि और विष चिकित्सा में किया जाता है। ये जड़ी बूटी पेट के रोगों का शमन करती है और अरुचि मिटाती है। इसके फल तिक्त और दस्तावर होते हैं। ये कफ पित्त को मिटाता है तथा पेट के गुल्म को दूर करता है। इसके फल का उपयोग पेट की कृमि मिटाने में, पेट दर्द को दूर करने में, अर्श, कामला और हिक्का में किया जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि देवदाली का प्रयोग औषध कार्य में किस प्रकार से हम कर सकते हैं। आधे सर का दर्द यानी आधा सीसी, ऐसी समस्या में बंदाल के फलों को पानी में भिगो कर रखे, फिर कुछ देर बाद मच्छल छान कर इसमें से 1 से 2 बूंदे नाक में टपकाए। ऐसा करने से नाक में से छींके आकर कुछ देर में ही आधा सीसी खत्म होती है। दोस्तों बंदाल का उपयोग पेट के कई रोगों की चिकित्सा में किया जाता है। पेट में पानी भर जाने की समस्या यानी जलोदर, इसमें बंदाल और इसके कांड को मिलाकर पाठ बनाए और थोड़ी मात्रा में पिलाए, इससे जलोदर में बहुत जल्दी ही आराम होता है। दोस्तों इस पाठ का सेवन करने से हैजा में भी अधिक फायदा होता है। जिन लोगों को रात में दिखाई न देता हो, तिमिर रोग हो, ऐसे लोगों को इस देवदाली के ताजे पत्रों का रस निकाल कर तथा देवदाली के फलों का रस शहद के साथ मिलाकर आंखों में लगाना चाहिए। इससे तिमिर रोग धीरे धीरे नष्ट होता है। दोस्तों कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग कामला रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। कामला रोग की चिकित्सा में देवदाली के फलों का उपयोग किया जाता है। कामला रोग की चिकित्सा इस बंदाल के फलों को पानी में भिगो कर रख दे, फिर सुबह उठकर मच्छल छान कर 1 से 2 बूंद नाक में डाले, इससे कामला रोग में बहुत अधिक फायदा होता है। अगर ये ताजा न मिले तो ऐसी स्थिति में इसके फलों के चूर्ण का भी नश्य ले सकते हैं। इसके अलावा इसके सूखे फल को पानी में डालकर भिगो कर रखे, फिर बाद में नाक में डालने से भी पीलिया रोग में अधिक फायदा होता है। दोस्तों इसका नश्य लेने से सीके आकर पीला द्रव्य बाहर निकल जाता है और कामला रोग नष्ट होता है। दोस्तों ये बहुत तीक्ष्ण होता है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। जिन लोगों का लीवर कमजोर हो या लीवर संबंधित किसी भी परेशानी हो तो इन लोगों को इस देवदाली के फलों का फांट बनाकर 5 मिली की मात्रा में 1 चम्मच नारियल पानी के साथ पीना चाहिए। अगर नारियल पानी न हो तो ककड़ी का रस भी मिला सकते हैं। ये प्रयोग 4 से 5 दिनों तक करने से लीवर संबंधी समस्या दूर होती है और लीवर मजबूत बनता है। दोस्तों ये जड़ी बूटी तीक्ष्ण और अत्यधिक वामक होती है, इसका अल्प मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। दुर्बल शरीर वाले और गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।